हे गाइस, इट्स मॉर्निंग और आज हम ये आउटफिट पहनने वाले हैं। और ये आउटफिट मुझे है ना रिसीव हुआ है माहे कलेक्शन से। एंड यस, आज हम अच्छे से तैयार होंगे। एंड यस, आज घर में सब दावत है, सब लोग आने वाले हैं। एंड यस, वी आर गोइंग टू गेट रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। फाइनली आउटफिट पहन के मैं हूँ तैयार। एंड मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है आउटफिट, अच्छा लग रहा है ना। मैं इनका पेज भी टैग कर दूंगी, माहे कलेक्शन बेसिकली। आई मीन ये यूट्यूब ब्लॉग है तो मैं नीचे इनका नंबर ऐड कर दूंगी व्हाट्सअप का, है ना। इट्स अ ट्रस्टेबल एंड जेन्युइन पेज, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम देम। लुक्स नाइस, राइट? तो चलिए फिर तैयारी करते हैं सारी और आपको बताती हूँ क्या क्या अपडेट्स चल रहा है घर में। चलिए फिर। सो ये यहाँ पर ना हलवा जमाने रखे बेसिकली हमने। इट्स नॉट हलवा, वो अगर अगर बनाते ना अगर अगर से प्लेन पानी में, हमें मोहरम का शरबत बनाना है ना, ये उसका प्रिपरेशन है। थिंकिंग राइट व्हाट्स गोइंग ऑन। सो बेसिकली हम शूट कर रहे एक रील के लिए, तो और बेसिकली मेहमान भी आ ही रहे तो अरेंजमेंट करना ही है, तो आई थॉट दोनों ही क्यों ना हो जाए, थोड़ा शूट भी हो जाए थोड़ा मेहमान का अरेंजमेंट। वहां देखो मैंने वो टेबल पे भी सारा अरेंज किया है, देखो इतना प्रिटी लग रहा है। बट अभी और कुछ नहीं डाला है, जस्ट मैंने ऐसे इतराने के लिए तीन चीज के कर दिए परसों स्टूडियो से लाए थे, तो अभी मैं इसको भी ऐसी एज एन प्रॉप डाल रही हूँ। बिकॉज काफी टाइम से मन था इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने पर टाइम ही नहीं मिलता था, आज सोचा शूट में ही कर देते ये काम। तो गाइस शूट हो गया है, नाउ वी आर फ्री। अब हमने है ना वो बंद कर दिया लाइट्स एंड ऑल, अब हम जोहर पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है जोहर का भी, इट्स 2:10। तो और खाना भी आ चुका है पक्के। आज हमने बनवाई है जमजम पुलाव बेसिकली, फॉर बेसिकली मम्मी की तरफ की दावत है। मम्मी ने अपने घर की जगह यहाँ रखी बिकॉज वी ऑल आर वेरी मच कम्फर्टेबल ओवर हियर। प्लस है ना बच्चे लोगों की तौर के एग्जाम्स है, ठीक है। तो तौरा इज लाइक मम्मी मैं कैसे घर से बाहर जाऊंगी, तो फिर है ना पढ़ाई पे यू नो एकदम डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा अनिंग क्या। तो वॉट वी ऑल डिसाइडेड इज कि घर में ही दावत कर लेते हैं। सो यहीं पर सब यहीं गैदरिंग कर लेंगे, तौर अपने एग्जाम की भी पढ़ाई करती रहेंगी एंड साथ ही साथ हम लोग हमारा फन करते रहेंगे, है ना। सो बेसिकली अभी पहले हम जोहर पढ़ लेंगे एंड देन उसके बाद अभी मम्मी आ जाएंगे तो फातिहा हो जाएगा। आज मेरी सांस का भी फातिहा, बेसिकली मेरी सांस का इंतकाल होके 8 मंथ्स हो गया है, तो आज वो भी फातिहा साथ में ही किए। एंड इवन नानी माँ का फातिहा है आज, और फिर मामू हुसैन का भी फातिहा आज, तो सारे फातिहा आज करने हैं और फिर आगे का अपडेट आगे देंगे ना, बाय। तो हमारे यहाँ बाहर से है ना नियाज का खिचड़ा भी आया हुआ है, दूध आ चुका है और शरबत, इसको अभी हम गर्म कर रहे हैं फिर शरबत बनाएंगे। यहाँ पर है हमारा जमजम पुलाव, वेट खोल के बताती हूँ। सो ये देखिए ये है हमारा जमजम पुलाव, लग रहा है ना अच्छा। यस, और तौरा स्टिल बिजी पढ़ाई में, ये देखो इसके लिए और ये घर का नालायक बच्चा है बस। हाँ यही है, यही हाँ यही है, यही सही है। देखो ये वो मोटा भाई है मेरा, जिसने बचपन से मेरा जीना हराम कर रखा है जी, वो भी आ चुका है खाने। ये वही है जो इससे मेरा जीना हराम किया हुआ है जिंदगी भर, मेरा कभी पीछा ही नहीं छोड़ा है। तो बेसिकली मम्मी गाइड कर रही है कि ऐसे कपड़े बनवाओ कि शादी और शादी के बाद भी काम आए। हम लोग गांव जा रहे हैं, उसकी तैयारियां चालू है। सुन रहे हो आइडियाज? समझ के अब कैसे चूज करने का। डेट वन आलाराम इन हो, जिसको बोलते क्यों सब ऐसे बैठे हो, उठो नाचो गाओ। एंड ये देखो ये हमारी लेजी फैमिली, ये गैदरिंग है, सब अपने अपने घर कंटाल रहे थे, अब सब यहाँ मिलके कंटालेंगे। दैट्स व्हाट अ फैमिली डू ऑलवेज इन एवरी आउटिंग। वो कौन आउट फैमिली होती है जो खूब मजे करती है मिलके, हम तो नहीं कर पाते। फाइनली किड्स डिसाइडेड समथिंग, क्या खेल रहे बच्चा बड़ी? ये कितने की आई? ये 70 रुपीज के हम लोग को मस्त। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग और वो का गिफ्ट का फिर जो जीतेगा
तो फिर तुम लोग बच्चे लोग चॉकलेट्स लेकर आए ना गिफ्ट्स की। तो पप्पू तैयार है, तू चॉकलेट है जितने। तो आज सबसे ज्यादा चॉकलेट्स कौन ले जाएगा हाउसी में? लेट्स सी। दीज आर माई नंबर्स। मेरे पास तो है ही नहीं। मेरा भी बनाना। 20 भी नहीं है गाइस। 30 है गाइस। बाय खुदा जीतते हैं। मैंने तो एक आइडिया दी इसको, मतलब सभी पे खड्डे कर दे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कौन सा नंबर आया नहीं आया। ही हा 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 हा। कर रहे हॉरर मूवी और साथ में वाटरमेलन और साथ में कितना सीरियस होके देख रहे बच्चा पार्टी, इमोशनल हो। आराम। ये लोग कर रहे प्रिपरेशन शरबत की, मम्मी ने गाइड कर दिया है तहूर को और तहूरा बना रही है। और तहूरा मैडम अभी जेली कट करी, हालांकि जेली जमा ही नहीं है, इतना जेली ऐसा कट करी जैसे वो तो क्या होता है, हलवा होता है। सॉरी ये जेली नहीं है, हलवा है। अनिल मारे गया, हलवा निकाल दो। हाँ निकाल दो, वैसे ही बहुत ज्यादा। मम्मत को ये वो वाली जेली लग रही है, ये हलवा है मम्मत। हाँ अच्छे पीसेस आए ना, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा है। कट किसने किया? मैं भी खाऊंगी। पहले ही उजो, पहले जेली उजो। कि क्रो शरबत बना ले सीखनी हूँ। आई मीन टू से क्या ये शरबत बनाएंगी? अनिल अनिल अपन जेली वाला सीन लेंगे, अभी रह लूंगी मैं वीडियो। आ जा कौन खाना पतली पतले पतले। अरे देखो ये है हमारी हलवा, नॉट ए जेली। कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस ये, मुझे मन कर रहा है खा जाओ, अपनी खाने जैसा है नहीं। अच्छा वो जेली खट्टा मिट्टा दिमाग में रहता है ना, तो ये हलवा है, ये जेली नहीं है, तो वो दिखती जेली जैसी है, इसके लिए वो जेली है। लेके जा लेके जा, तू भी एक पीस लेके जा, क्या याद करेगा इनामा, कोई माँ के घर में क्या अच्छी डिश खाया था, वाह वाह वाह, कैसी लगी खा के रिव्यू करना। महमूद मारू गया, चलो अब तहूर मैडम ऐड कर लिए जेली हमारे शरबत में फाइनली। ये देखो बच्चा पड़ी कैसे देरी देख रही है कि शरबत बने। ये आई थिंक बस हो गया, बस सो गाइस अभी हम करेंगे इसको पिस्ता से टॉपिंग, एंड ये रेडी हो चुका है, मिक्स कर दो ना। यस ये देखिए ये पिस्ता फ्लेवर का मोहरम शरबत रेडी है नानी की गाइडेंस के साथ। शकीला की जेली बनी हुई के साथ, दूध ऑलरेडी गरम बना मिला करा हुआ मिलने के साथ। स्टिल तहूरा इज कच्ची पक्की इन कुकिंग एंड मेकिंग, शी इज ओनली गुड एट बेकिंग। आया शरबत में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हू केयर्स, मतलब तहूरा ढूंढ के। और मम्मा तेरे लिए शरबत का रिव्यू, अरे मुझे दैट्स व्हाट अ फैमिली से सी। ये देख शरबत को इसको बनाना था, तू
नहीं थे तो दूध में पिस्ता डाल दी, वो शरबत डाल दी, हो गया जेली डाल दी। मामा तो शरबत में आइसक्रीम डालते हैं, रबड़ी आइसक्रीम, फिर मिल्क मेड, और मामा खुद पर्सनली बनाते खुद के घर में शरबत। मामा के लिए डिमांड आने वाली है, मामा की शरबत की रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में। आते मेरे यहाँ बच्चे खुशी खुशी है, जाते ऐसे मेरे यहाँ से। सो बेसिकली देर आर टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो खिड़की में देख के भूत ढूंढता है, एक जो वो खेल रही है, एक जो हुक्के के इंतजार में कि मेरे कोयले कब आए, एक जो तस्बीहा पढ़ के अभी तक के वही वजीफे चालू है, एक बुरखे में के कब उठ के भाग जाऊं। सो बेसिकली ऐसी कुछ हमारी गैदरिंग चल रही है एंड डे एंड हो गया, खुदा हाफिज़ बाय।